हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सौबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है दोस्तों कि 95% वोट हासिल करके बशर अल असद किस देश के चौथी बार जो है राष्ट्रपति बन गए हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन है सीरिया। तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है बशर अल असद ने और चौथी बार लगातार वो जो है सत्ता को अपने हाथ में संभालेंगे और सीरिया के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। देश में 26 मई 2021 को जो चुनाव हुए उसमें असद को 95.1% वोट्स मिले। वहीं पे उनकी जो चुनौती दे रहे थे उनको दो उम्मीदवार थे जिसमें कि महमूद अहमद मारी थे जिनको सिर्फ 3.3% वोट्स मिले। वहीं जो दूसरे प्रतिद्वंदी थे अब्दुल्ला सलाम अब्दुल्ला उनको जो है मात्र 1.5% वोट ही हासिल हुए। तो सीरिया के अगले राष्ट्रपति एक बार फिर से चुनाव में जीतने वाले बशर अल असद ही होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी लॉन्च किया है। ये पोर्टल है। इस दौरान जो है राजनाथ सिंह ने यह भी कहा जो कोविड की जो दूसरी लहर आई है वो अभूतपूर्व है और पहले से जो लहर आई थी उससे ज़्यादा अधिक खतरनाक है। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने दूसरी लहर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने ये बताया कि DRDO ने दिल्ली लखनऊ वाराणसी और देश के कई अन्य हिस्सों में कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं जिससे जो कोरोना से जंग है उसमें काफ़ी मदद मिली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन डी प्रोफेसर CN राव। तो दोस्तों आपको बता दें भारत रत्न प्रोफेसर हैं CN राव जो है उनको अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल माना जाता है। प्रोफेसर राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे थे। यह बहुत आवश्यक है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल यह है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जिसे कहा जाता है उसे नवाजा गया। तो सही जवाब अमर्त्य सेन। तो भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन ने यह कहा कि भुखमरी पर उनके अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचलित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचलित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है। इस प्रकार का स्मार्ट विंडो मटेरियल इमारतों के लिए कुशल स्वचालित जो है जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में काफ़ी मददगार साबित होगा।
हाल के वर्षों में इमारतों में बेहतर रोशनी और ऊष्मा प्रबंधन के लिए सतत आर्किटेक्चर डिजाइनों पर ध्यान दिया गया है और इस प्रकार की स्मार्ट विंडो प्रणाली इस दिशा में पहला कदम हो सकती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। सवाल में ही जवाब है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्युत मंत्रालय। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो देखिए, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है। बायोमास पर प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में भी योगदान देगा। ये देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्य में मदद भी करेगा। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है, इसका सही जवाब है वो है वित्त मंत्रालय। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है और वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजना को भी शामिल किया था। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के IAS और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी OSD बनाया है? आपके ऑप्शन राहुल सचदेवा, अरुण कुमार मेहता, BVR सुब्रमण्यम या फिर मोहन कुमार सिंह। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।